नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ऑनली न्यू नेशन में। हैदराबाद राजनीति का नया गढ़ बनने वाला है, यानी कि देश में वर्तमान में जो राजनीति चल रही है उसको अब आगे बढ़ाते हुए हैदराबाद में चुनाव शुरू होने वाले हैं और वहां पे जबरदस्त राजनीति शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव है और इस नगर निगम चुनाव में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और ओवैसी को बुरी तरीके से घेरने का प्रयास बीजेपी ने किया है और जहां तक है सफल भी होंगे। आपको बता दें कि वोटों का ध्रुवीकरण ओवैसी जिस तरीके से करते हैं उसका फायदा बीजेपी भी उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर फायदा उसका मिल रहा है। आप लोगों ने देखा कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन करने के साथ ही ओवैसी ने भी 5 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद बीजेपी के लिए ये बड़ा संदेश था कि बीजेपी ने और ताकत के साथ हैदराबाद में खुद ओवैसी के गढ़ में जाकर घेरने का एक आह्वान किया और खासतौर से अमित शाह, जेपी नड्डा और हिंदुत्व के बड़े चेहरा योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सारे नेता मिलकर अब नगर निगम का चुनाव जो है हैदराबाद में हो रहा है उसमें पूरी तरीके से उतरने वाले हैं और घेरने वाले हैं। पूरी तरीके से घेर के साफ तौर पे वहां पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के साथ साथ इनकी रैलियां अभी से ही लिस्ट जारी हो गई है, रैलियों की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस चुनाव में जीतने के सारे दावे भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है और बीजेपी के ये नेता सीनियर लीडर्स जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है हैदराबाद में। यानी कि मुकाबला बड़ा होगा और मुकाबला क्या कहें, पूरी तरीके से घेरने की तैयारी हो चुकी है। अब आपको बताएंगे कि क्या है पूरी खबर आपको हम पढ़ के बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव के प्रचार करने पहुंचेंगे। इससे पहले यूपी के सीएम 27 नवंबर को हैदराबाद जाएंगे। योगी यहां रोड शो और रैली करेंगे। वो मलकगिरी और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगे। यानी कि योगी के जाने का मतलब ही है कि उस मुद्दे पर घेरा जाएगा जिस मुद्दे के खिलाफ हैदराबाद में ओवैसी का तांडव जारी रहता है। अब ओवैसी पर बीजेपी का तांडव होगा, बीजेपी उनके ही गढ़ में घेर के ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर बुरी हार होती है ओवैसी की तो शायद ओवैसी को सोचना पड़ जाएगा कि हैदराबाद संभालें या पूरे देश को संभालें। आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी ओवैसी कदम रखने वाले हैं और ओवैसी का नाम इसलिए चर्चे में आता है और आना भी चाहिए क्योंकि ओवैसी जिस तरीके से कांग्रेस, पश्चिम ममता बनर्जी की पार्टी हो या जो भी विपक्षी पार्टियां हो, जिस तरीके से उन सब का वोट काटने का काम कर रही है, यानी कि वोट कटुआ पार्टी का जिस तरीके से उसको तमगा मिला है, उसके बाद जो 5 सीट जीत ली तो शायद उसको लगता है कि वो और भी चुनाव जीत सकती है। लेकिन ये शायद उनका जो भी हो, भ्रम हो या हो सकता है आगे चुनाव जीत भी सकते हैं क्योंकि वो एक खास समुदाय के नेता हैं। और खास समुदाय की बात करते हैं, खास तौर से देश के में एकता और अखंडता और भारतीय संस्कृति से उन्हें कोई मोह नहीं है। हिंदुत्व के जो नेता, हिंदुवादी नेता हैं, वो तो साफ तौर पे ओवैसी को देशद्रोही तक बोल देते हैं, गद्दार तक बोल देते हैं क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ओवैसी, भारत और भारत की सेना इन सब के साथ नहीं होते बल्कि अलग होते हैं। ओवैसी के भाई ने तो साफ तौर पे कह दिया हैदराबाद में एक रैली में, साफ तौर पे ओवैसी के भाई ने कहा था कि 50 लाख मुस्लिम हिंदुओं पर भारी हैं, यानी करोड़ों 50 करोड़ हिंदुओं पर भारी हैं इनके 50 लाख समुदाय के लोग। यानी कि कुल मिला के जो एक माहौल हैदराबाद में बना हुआ है
हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति साफ तौर पे हैदराबाद में हो रही है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी उठाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए हिंदू का एक हिंदू का पुरोधा कह लीजिए, हिंदुत्व का जो सितारा योगी आदित्यनाथ, उनको चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा ने साफ तौर पे यह जाहिर किया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ यानी भगवा का आह्वान हैदराबाद में हो गया, यानी कि पूरी तरीके से जिहादियों को ठोंकने की तैयारी हो गई है। वो जिहादी ही तो हैं, क्योंकि वो बांग्लादेश से लोगों को निमंत्रण देते हैं, बांग्लादेशी शरणार्थियों को, रोहिंग्याओं को, जिस तरीके से ओएसी शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं। और अभी हाल ही में तो एक समाचार भी ऐसा आया जिसमें साफ तौर पे यह लिखा था, प्रकाशित भी हुआ था कि ओएसी के ही पार्टी के तीन नेता और दो नेताओं का मिला के लगभग पांच नेताओं का नाम आया है जिन्होंने बांग्लादेशी शरणार्थियों को संरक्षण दिया, बांग्लादेश के शरणार्थियों को संरक्षण दिया हैदराबाद में। और हैदराबाद में संरक्षण देने के साथ साथ फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये सारी चीजें बनवाया गया और स्कूलों में एडमिशन भी दिलवाया गया। ऐसे साफ तौर पर जाहिर है कि देश विरोधी गतिविधियां वहां तेजी से चल रही हैं और खास समुदाय यानी कि एक इस्लामिक राज्य की तौर पे उसको प्रस्तुत करने का प्रयास ओएसी का रहता है, उस वहाँ पे इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। वहीं देश के बहुसंख्यक या यूँ कह लें कि हैदराबाद में धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे हिंदुओं के साथ मतभेद करते हैं, मतभेद का व्यवहार करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हैदराबाद में बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनाव में उतर रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि ओएसी पूरे देश में एक मुस्लिम लीडर के रूप में उभरे या अन्य लोगों की लीडर बन के उभरे, क्योंकि जिस तरीके से ओएसी सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे शायद बीजेपी कहीं ना कहीं खफा है और पूरे तरीके से उन्हीं के गढ़ में घेर कर मारने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी हैदराबाद की धरती पर उतर कर वोट मांगेंगे। अमित शाह 29 नवंबर को यहां पहुंचेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद इलाके में रोड शो करेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति भी बीजेपी के लिए प्रचार करने हैदराबाद जाएंगी। साध्वी निरंजन ज्योति भी बड़ा नाम है, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि अगर ओएसी हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वहाँ पे बीजेपी भी उसी आधार पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वही मुद्दा है, वहाँ पे धर्म का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के नेता 1 दिसंबर को होने जा रहे हैं हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। ये बेहद दिलचस्प होगा जब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद में प्रचार करने उतरेंगे, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बीच लगातार वार पलटवार चल रहे थे। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी पर जिन्ना के अवतार होने का आरोप लगाया और कहा कि उनके लिए वोट करना भारत के खिलाफ वोट करने जैसा है। साथ ही हैदराबाद में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही है। ओवैसी की पार्टी के नेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं। ओवैसी को तो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे चुके हैं, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैदराबाद ओल्ड सिटी के में सर्जिकल स्ट्राइक करने तब की बात कह चुके है। कुल मिला के पूरी तैयारी हो गई है लड़ने के लिए, पूरी तरीके से बीजेपी ने घेरने की प्लानिंग कर ली है। योगी आदित्यनाथ स्वयं जाएंगे हैदराबाद में हिंदुत्व का एजेंडा लेकर, या यूं कहें कि हैदराबाद का और विकास का एजेंडा लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।